दोस्तों, आप गूगल ट्रांसलेटर वेबसाइट का तो यूज़ करते ही होंगे, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उसको आप अपने एक ऐप की तरह से आप यूज़ कर सकते हैं डेस्कटॉप पर, और बार बार आपको गूगल ट्रांसलेट की वेबसाइट पर नहीं जाना होगा। आप डायरेक्टली उस ऐप पर क्लिक करके उसको यूज़ कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे देखते हैं। आपको क्रोम ब्राउज़र पे जाना है, ट्रांसलेट डॉट गूगल डॉट कॉम इस साइट पर जाना है आपको। यहाँ पर थ्री डॉट जो आपको दिख रहा है इस पे जाना है आपको, और यहाँ पर मोर टूल पे जाके क्रिएट शॉर्टकट पे क्लिक करना है। यहाँ पर उसका जो नाम आप रखना चाहते हैं ऐप का वो आप रख सकते हैं, मैं इसको डिफॉल्ट ही रहने देता हूँ। ओपन एज विंडोज पे चेक करते हैं, क्रिएट शॉर्टकट करते हैं, और ये देखिए ये ऐप की तरह से यहाँ पर ओपन हो गया है। अब हम क्रोम ब्राउजर को बंद कर देते हैं, इसको भी आप क्लोज कर लीजिए। ये आप देखिए गूगल ट्रांसलेट के नाम से आपके पास एक शॉर्टकट बन गया है डेस्कटॉप पर। अब आपको जब भी गूगल ट्रांसलेटर को खोलना है आप इस पे डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं और अपने काम में इसको ले सकते हैं। इसके अलावा आप इसका शॉर्टकट टास्क बार में भी ला सकते हैं, स्टार्ट बटन पर भी ले जा सकते हैं। टास्क बार में लाने के लिए आपको गूगल ट्रांसलेटर ऐप के शॉर्टकट पर राइट क्लिक करना है, शो मोर ऑप्शंस पे जाना है, और यहाँ पर पिन टू टास्क बार पे क्लिक कर देना है। ये देखिए यहाँ पे ये टास्क बार में आपका पिन हो चुका है इसका शॉर्टकट। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो में इतना ही। आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक एंड शेयर करें, और मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।